तो भाई लोग, मुझे बुखार हो गया है तो इसलिए इस वीडियो में बोलने में थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ है, तो प्लीज़ दोस्तों एडजस्ट कर लेना और सॉरी बोले तो पहले से। तो भाई लोग कैसे हो, तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से मॉन्टेज वगैरह एडिट कर सकते हो, या फिर मैं कैसे अपने मॉन्टेज वगैरह बहुत मतलब एडिट करता हूँ। ओके, बहुत ही आसान है गाइज, बहुत ही आसान है, अब एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और मुझे इस वीडियो का सजेशन दिया बहुत लोगों ने, इंस्टाग्राम में मुझे बोला था कि भाई आप कैसे मॉन्टेज वगैरह एडिट करते हो अपने फ़ोन में। तो मैं काइनोस्टर में एडिट करता हूँ। ओके, तो अभी तक आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दो। ओके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करे हो। तो पहले आप वीडियो में आते हैं, तो सबसे पहले देख सकते हो ये जो काइनमास्टर है ये मोड वर्जन है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्ले स्टोर में से डाउनलोड करने से मतलब पैसा लगता है, तो पैसा नहीं है उतना, तो ऐसा इंटरफेस आता है। ओके, तो मैं क्रिएट न्यू पे जाऊंगा और जो ऑडियो एस्पेक्ट रेशियो है 16:9 में रहूँगा। और यहाँ पर जो मतलब पहले आपको जो भी चाहिए मतलब ये इंटरफेस है। ओके, आपको जो चाहिए मतलब वीडियो वगैरह क्लिप वगैरह आपको लेना पड़ेगा गैलरी से। तो सबसे पहले डीवी रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये रखा रिकॉर्डर है थोड़ा, तो मैं कोई भी एक क्लिप ले लेता हूँ। ओके, तो एक क्लिप ले लिया। ओके, समझिए ये आप सबका वीडियो है। ओके, थोड़ा के कट कर देता हूँ। तो भाई लोग आप समझे कि आप अपने मतलब वीडियोस वगैरह जो है मतलब जो आप दिखाना चाहते हो किल वगैरह कैसे आप मतलब जो जब किल करोगे ना उतना ही रखना। ओके, और उतना रखने के बाद कट कट कर देना ऐसे। ओके, आप चाहिए तो ट्रांजिशन दे सकते हो बीच में। ओके, मतलब जो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है आप दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं देता आजकल मुझे, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। ओके, वैसे इतने मतलब नेचुरली बहुत ही अच्छा लगता है विदाउट से। ओके, आपको बस इतना करना है और आपको एक सॉन्ग चूज़ कर लेना है जो भी आपको अच्छा लगे। तो समझिए मैंने ले लिया। ओके, ने के बाद ऐसे ही रखने दो, मतलब मैं पहले साउंड कम कर लेता था ताकि आपका जो बंदूक का आवाज़ है तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सुनाई दे, लेकिन गाना थोड़ा कम हो जाता था, इसलिए मैं इसको नॉर्मली रखने देता हूँ अभी। और पहले बहुत कुछ ही करता था, अभी नहीं करता। और आपको बस सिंपली ऐसे कर लेना है, मतलब सब वीडियो को ऐसे क्रॉप क्रॉप करके एक गाना लगा देना है। और आप चाहे तो पहले जो इंट्रो है इंट्रो दे सकते हो, आपका कलर इंट्रो है, और नहीं है तो नहीं भी चलेगा। ओके, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है, देख सकते हो बहुत ही आसान है। आपको अब बस फिल्टर वगैरह देना पड़ेगा आपके वीडियो में, और चाहे तो आप नहीं भी दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी, मगर मैं अपने तरीका बताता हूँ। तो मैं फ़िल्टर वगैरह दे सकता हूँ बहुत ही है, लेकिन मैं कोई फ़िल्टर नहीं देता यहाँ से। तो एडजस्टमेंट में थोड़ा एडिट करता हूँ मैं, पहले बहुत ज़्यादा एडिट करता था, अब थोड़ा एडिट करता हूँ। अभी मैं ब्राइटनेस को 10 पे रखता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को भी 10 में रखता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत ही कम सा एडजस्टमेंट देता हूँ जो नेचुरल भी लगता है और अच्छा भी लगता है पहले से। ओके, सैचुरेशन को 20 पर रखता हूँ और वाइब्रेशन भी 20 पे रखता हूँ। ओके, 20 हो गया, और हाईलाइट वगैरह 10। तो ऐसा करने के बाद बस आपको इतना ही करना है, देख क्या हो गया, टच हो जाता है। तो आपको बस इतना ही करना है कि ब्राइटनेस 10, कॉन्ट्रास्ट 10, सैचुरेशन 20 और वाइब्रेंस 20। ओके, और हाईलाइट 10, बस इतना ही करना है। और आपको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आपके सारे क्लिप में ये चला जाए। ओके, बार बार आपको करना ना पड़े। तो देख सकते हो अभी मतलब बहुत ही अच्छा हो गया है, पहले से लग रहा है, देख सकते हो अभी। और मेरा अगर मोन्टाज देखे हो आप लोग तो जानते हो कि अच्छा लगता है। तो देखा आपने, बहुत ही आसान तरीका है। ओके, और ये जो काइनमास्टर है ना, ये मोड वर्जन है, लिंक मत पूछना क्योंकि मैं लिंक नहीं दे सकता। अगर एक काम कर सकते हो, काइन इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, अगर बहुत लोग पूछेंगे तो मैं इंस्टाग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, तो जाके जाओ जल्दी से फॉलो करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लो। और इतना ही है बस, आपको गाना सिलेक्ट करना है। आपको बस 3 चीज़ों पर ख्याल रखना पड़ेगा, आपका वीडियो है क्रॉप करके रख देना, सेकेंड फिल्टर मारना है, मतलब एडजस्टमेंट फिल्टर जो भी आप कर सकते हो कर लो, फिर आपको जो गाना है सिलेक्ट करके रख दो। और चाहे तो आप बीट साइज का करना चाहते हो, मतलब बीट पे मानता है, तो थोड़ा एडिटिंग करना पड़ेगा। मतलब पहले आपको बीट लेना है, मतलब कहाँ पर बीट हो रहा है वहाँ पर एक मार्क कर देना है, फिर जो आपको बंदूक ने मतलब बंदूक से अपने अपने जब मरा तो उसको आपको उसी मार्क पे रखना पड़ेगा। ओके, उसी मार्क पे रखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा हार्ड है, मतलब इससे ये तो नॉर्मल मोन्टाज है और ये अच्छा भी लगता है, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। ओके, क्लासिक लगता है, तो मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। और थोड़ा बीच बीच में बीट सेंड हो जाता है मेरा, नेचुरली हो जाता है। ओके, तो अच्छा लगता है। तो बस मैं ऐसे ही एडिट करता हूँ। आप लोग अगर अच्छा लगा तो कमेंट बताना, और लाइक नहीं करे तो लाइक भी कर देना।
और एक्सपोर्ट फिर क्या, एक्सपोर्ट कर लो जैसे भी चाहे वो आप। तो और एंड्रॉयड 11 ना, एंड्रॉयड 11 में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मगर इसका भी सलूशन मैंने निकल लिया है। तो आप चाहे तो बताना कमेंट में, वीडियो भी बना दूंगा, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, तो फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा बताना, ज़रूर बताना। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। पीस आउट।